स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ध्रुवम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बोले थे आपसे कि हम डेंजर प्लेट एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेज लगता है, उसके बाद में जो निर्वतमान लाइन है उसको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में वही करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए, डेंजर प्लेट ये लगा हुआ कुछ इस तरह से लगाया जाता है। ये ज़मीन से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है और साथ में इसके नीचे ये बारबेड वायर जो देख रहे हैं ये तो विद्युत विभाग की लापरवाही है। अदरवाइज ये 1 मीटर के आसपास 90 सेंटीमीटर लपेटा जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर जो है वो डेंजर प्लेट लगाया गया है और ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है LT की, एक इधर गई हुई है, ठीक। तो आगे हम अभी इसी वीडियो में दिखा रहे हैं आपको कि जो स्टे वायर है वो उसमें जो डिवाइसेज लगते हैं वो कैसे होते हैं, किस टाइप के दिखते हैं। और इसी लाइन, ये लाइन जो बनी है ये एक लाइन पहले से लगी हुई थी उसमें से कनेक्ट करके ले जाई गई है, तो उसके वो उसको भी हम दिखाएंगे। अभी आगे डिस्कस करते हैं चल के, ठीक है। तो देखिए, ये आपका रॉड है जो ज़मीन के अंदर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे GI थिम्बल लगता है जो ऐसे वायर को लगाया गया है। ये GI थिम्बल लगा कर उसके ऊपर से वायर ले जाया जाता है। ये विद्युत विभाग वाले यहाँ पे बचत किए हैं, नहीं रहा होगा, नहीं लगाए हैं। उसके बाद में देखिए, ये सीधे ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद में आप देख रहे हैं ये लाइन इधर से आ रही है, इस साइड से लाइन आ रही है और इधर को जा रही है, ठीक है। और वो वाली जो लाइन हम आपको दिखाए थे कि वहाँ पे दिखाए थे उस वाले खंभे पे वो डेंजर प्लेट लगा था, वहाँ से ये लाइन ऐसे आ रही है। और इस पॉइंट पे देखिए ये क्रॉस आर्म लगा है, ठीक। वो क्रॉस आर्म जो लगा है उसको बांध करके हम ले जाते हैं, यहाँ से टैप करके निकाले जाते हैं, इसको बोलते हैं निर्वतमान लाइन। देखिए, वो वाला जो पोल है, सपोज वो गाँव जो दिख रहा है आपको, गाँव बहुत दूरी पर, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। कितने पोल लगेंगे, ये सपोज आपका 50 मीटर का स्पैन है, तो पहला पोल अगर ये वाला है तो उसके बाद में हमें अलग से पोल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन पहले से यहाँ पे बनी हुई है। तो हमें क्या करना है, इस पे एक क्रॉस आर्म लगा देना है, जो आप देख रहे हैं क्रॉस आर्म लगा है, और ये साइकिल जो स्ट्रेन इंसुलेटर लगा देंगे इसमें, ठीक। 1, 2, 3 स्ट्रेन इंसुलेटर लग गया। उसके साथ में इधर से थोड़ा दिखा देते हैं आपको करके, ठीक है। देखिए, ये पूरा इसका सेटलमेंट होता है। साथ में जो स्टे वायर है यहाँ पे लगाया गया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये एक पोल ऐसा पोल है जहाँ से लाइन को टैप करके निकाला गया है, ठीक है। तो टैपिंग वाली जगह पे भी हम स्टे वायर का यूज करते हैं। और ये खंभा ऐसी जगह पे है कि इधर यहाँ पे मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए इधर एक लाइन जा रही है, तो इधर लोड पड़ रहा है, इधर से भी है, इधर से भी है, तो हमें स्टे वायर इधर लगाना है ना, इधर नहीं लगाना है। क्योंकि हमारा इधर कोई लोड नहीं है, तो इसको मैकेनिकल बैलेंस यहाँ से मिलेगा। और उसके बाद में जो हम बात करते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर की, ये है आपका, ठीक है। देखिए, ये स्ट्रेन इंसुलेटर है, ये वाला कुछ इस टाइप का दिखता है। ऊपर देखिए, ऊपर आप ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला वायर ऊपर है और नीचे वाला वायर नीचे बांध करके छोड़ा गया है, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि लाइन की टैपिंग कैसे करते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन जो मैं करवाया हूँ उसमें इसी तरह की लाइन की बात की गई थी। तो वहाँ पे एक पोल कम लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि हमें अलग से एक पोल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी पोल को हम टर्मिनल पोल मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसी वीडियो में हम आगे आपको दिखाएंगे पोल माउंटेड सब स्टेशन और वहाँ पे लगने वाले उपकरण के बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन की तरफ। तो हम आ गए हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन के पास में। ये देखिए आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये TPMO स्विच लगा हुआ है, यहाँ से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब इधर जो लाइन ये वाली है इधर जा रही है, इधर इसको हम यहाँ से कट आउट कर सकते हैं, यहाँ से जाने वाली। और इधर लाइट अगर कोई फॉल्ट अगर इधर आया, इस साइड आता है इधर, तो हम इस TPMO स्विच की सहायता से इधर की लाइन बंद करके इधर मेंटेनेंस कर सकते हैं और इधर की लाइन में
कोई भी व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये आपका जो चैनल MS चैनल है जिस पे ट्रांसफार्मर रखा गया है, RYB फेज है, उसके बाद में ऊपर दो चैनल MS एंगल लगते हैं। इसकी साइज़ मैं सब स्टेशन जब पढ़ाऊँगा पोल माउंटेड तो उसमें बताऊँगा कि कितने साइज़ का कहाँ लगाया जाता है। और ये जो इंसुलेटर देख रहे हैं ये पोस्ट टाइप इंसुलेटर होते हैं। ऊपर ये ऊपर यहाँ पे ये वाला, एक मिनट थोड़ा और जूम करते हैं, ये फ्यूज लगा हुआ है, एरियल फ्यूज जिसको बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे स्टे वायर लगा है, ये स्टे वायर इस पोल को सपोर्ट देने के लिए लगा है, और एक स्टे वायर इधर लगा है यहाँ पे। तो ये स्टे वायर दोनों पोल को क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है साथ में। अब यहाँ पे जो अर्थिंग बनाई जाती है वो कुछ इस टाइप की होती है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये पाइप अर्थिंग होती है। अभी यहाँ का वायर ये जो लगा है ये 6 या 8 SWG वायर यूज़ करते हैं, और ये प्लेट SGI पट्टी होती है, और ये पाइप के साथ में वेल्डेड रहती है। ये देखिए पाइप लगा है। ठीक, अब देखिए ये जो पोल माउंटेड सब स्टेशन है, ये वाली जो लाइन है इधर आप देख रहे होंगे 4 पॉइंट निकले हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 LT वाला है। LT मतलब इधर से हम सप्लाई देंगे, जो गांव में सप्लाई ले जाना है या फिर अर्बन एरिया को सप्लाई देना है तो इधर से देते हैं। और जो इसके पहले मैं दिखाया था वो ST साइट था। यहाँ पे देखिए ये टर्मिनल बॉक्स है जहाँ से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर केबल निकालते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये इनपुट इधर से आएगा, LT साइड से यहाँ पे इनपुट आएगा, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस पॉइंट से या इस पॉइंट से हम 2 बस बार निकाल करके, मतलब 2 LT जो लाइन होगी उसको निकाल करके हम सप्लाई दे सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर आप ध्यान दीजिए, ये वही लाइन है जिसमें हमें आपको अभी दिखाया था स्टे वायर जो लगा था, वही लाइन है। ये पहले से एक पोल ये लगा था पहले वाला। ठीक, अब एक पोल विद्युत विभाग क्या किया, ये लगा करके इस पर पूरा फिटिंग लगा दिया, ट्रांसफार्मर लगा दिया। और इसमें फ़ायदा क्या हुआ है कि ये लाइन पहले से थी, ये देखिए तीनों फेज लगा था, एक क्रॉस आर्म लगा ये वाला, उसके बाद में इस पर फिटिंग पूरा लगा दिए। ठीक, एक पोल लगा दिए, और उधर देखिए एक ऊपर इंसुलेटर लगा दिए हैं। ठीक है, और उधर वाली जो वायर आ रहा है वहाँ पे क्रॉस आर्म हटा दिया गया, वहाँ पे क्रॉस आर्म नहीं लगाए, और डायरेक्टली क्या किए कि वो वाले कंडक्टर से ट्रांसफार्मर को जोड़ दिए, और इधर से भी ट्रांसफार्मर को जोड़ दिए, तो यहाँ पे बचत हो गई। तो इस टाइप का भी हम कनेक्शन कर सकते हैं, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में आपको नहीं मिलेगा, बट ऐसा हम कर सकते हैं लाइन की इकोनॉमिक कास्ट को कम करने के लिए। अभी इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि जो मैं बात कर रहा था कि सेम लाइन है, सेम वोल्टेज की लाइन है, तो कैसे क्रॉस करवाते हैं उसको देखते हैं। चलिए, तो अब मैं वहां आ गया हूं जहां पर लाइन सेम वोल्टेज की है बट क्रॉसिंग की ज़रूरत है। ये देखिए रोड है, ठीक है, और ये लाइन पहले से इधर गई हुई है, और ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो अभी मैं जिसका दिखा के आया हूँ आपको, वो लाइन ऐसे जा रही है, बाद में लगाई गई। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे क्रॉसिंग करना है, ये लाइन इधर से आ रही है, इसको इधर ले जाना है। अब विद्युत विभाग के पास में पोल की साइज़ कम थी, तो उसने क्या किया, यहाँ पे 2 क्लैंप लगा करके उस अलग से इतना पोल जोड़ करके ये लाइन ऊपर कर दिया है। और ऊपर कैसे किया है, ये दोनों सेम वोल्टेज की लाइन 11 kV की है, तो उसमें से अब ये ध्यान देना है कि वोल्टेज सेम रहता है तो कोई भी लाइन ऊपर हो सकती है। तो जो बाद में लगाई गई ये वाली, तो हम इसको ऊपर कर देते हैं, ऐसा नहीं कि नीचे करेंगे, हमेशा दूसरी जो लाइन बनेगी वो पहले वाली लाइन के ऊपर बनाई जाती है। अगर वो लो वोल्टेज की है तो हम नीचे से ले जाएंगे, नीचे से ले जा सकते थे, हाई वोल्टेज की है तो इसको हम ऊपर करेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए ढंग से इसको, देखिए कैसे उन लोगों ने लगाया हुआ है। ये पोल है, पहले एक सी लाइन है, ये दोबारा जो लगाई गई वो है, तो इनके बीच में गैपिंग अच्छी खासी है, जो कैमरा में नहीं दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि एक ही सटा हुआ है, लेकिन इसमें जो गैपिंग है ऐसे। ठीक, तो इधर से आई हुई है लाइन ये, और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा हल्का सा,
ये जो पोल है ये वाला, ये रेल पोल है, कुछ इस टाइप के होते थे, ये कहीं कहीं दिखाई देते हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ इसमें, इस वीडियो में। ठीक, तो आपको बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।